नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल इंग्लिश लर्न्स में। देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो हमारा टॉपिक होगा एक्टिव पैसिव, यानी कि हम बात कर सकते हैं वॉइस की। ठीक है, तो आज हम इसमें स्टेप बाय स्टेप्स जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो है जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनको सॉल्व करना सिखाऊंगी कि किस तरह से सबसे पहले आप सिंपल सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ बढ़ेंगे। हम टेंस वाइज इसको लेंगे, उसमें साथ में मैं समझाते हुए कुछ आपको जो है साथ में प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, तो जो है आप कंटिन्यू रखिए। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं एक्टिव पैसिव के बारे में, तो हम इसमें सबसे पहले हमें करना होता है क्या, लाइक मैंने लिखा सीता इज वॉशिंग क्लोथ्स, सीता इज वॉशिंग क्लोथ्स। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमें जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, मीन्स क्लोथ्स को मैं सबसे पहले लिख लूँ और सीता को सबसे बाद में। देखिए, अब हमने इसमें सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लोथ्स, और यहाँ पे जब भी कभी मैं जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाऊँगी तो हमेशा उसके साथ में मैं क्या लगा लूँगी, बाय सीता। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, सब्जेक्ट को पीछे ले गए। सब्जेक्ट जब मैंने लिखा तो मैंने इसके साथ में बाय लगा दिया। नेक्स्ट, उसके बाद जो एक्टिव पैसिव की सबसे मस्ट थिंग होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी ही आएगी। और नेक्स्ट थिंग कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो हर सेंटेंसेस में आप यूज़ करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब। अब नेक्स्ट, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद हम अगर बात करते हैं तो हमारा आ जाता है क्या, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारी, इज, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लोथ्स, तो हमने क्या लगा देंगे, आर। टेंस आपको वही रखना है, यानी कि अगर कॉन्टिन्यूस टेंस है तो कॉन्टिन्यूस टेंस का कॉन्टिन्यूस टेंस रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लगाएंगे बींग। ये बींग वाला जो फंडा है ये मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले सिर्फ आप ये देख लीजिए कि किस तरह से जो है हम इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद हमारी आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि एक ही चीज बच गई है हमारी, वर्ब। ठीक है, ये हमने कर दिया, बच गया ये हमने यहाँ पे कर दिया। दोबारा से देख लीजिए, सबसे पहले हम इसको पहले ले आए, इसको बाद में ले गए, इसके साथ में हमने लगा दिया बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वही यहीं की वैसी की वैसी आ जाएगी, सिर्फ हमने यहाँ पे आर इसलिए लगाया, क्यों, क्योंकि जो क्लोथ्स था वो प्लूरल था इसलिए। नेक्स्ट, बींग वाला मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ, और नेक्स्ट हमारा आ जाता है वॉश्ड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम उसके नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब मैं आपको बताती हूँ कि किस किस तरह से, किस जगह पे, किस टेंस में आप किसका यूज़ करेंगे। यहाँ से तो सिर्फ आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि किस तरह से आपको किसको चेंज करना है और किस तरह से क्या क्या वर्ब लगानी है, क्या लगाना है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ टेंसेस के बारे में। ठीक है, जो हम चेंज करते हैं, देखिए जो सब्जेक्ट में, यदि आपको सब्जेक्ट के रूप में आई मिलता है तो हम उसको चेंज कर देंगे किस में, मी में। वी मिलता है तो उसको चेंज कर देंगे अस में। यू मिलता है तो उसको यू में ही चेंज करेंगे। ही मिलता है तो उसको हिम में चेंज करेंगे। शी मिलता है तो उसको हर में चेंज कर देंगे। इट मिलता है तो उसको इट में ही रखेंगे। दे मिलता है तो उसको देम में चेंज कर देंगे। अब देखिए, स्टार्टिंग के टेंस की हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है वो हमारी क्या होती है कि या तो आपको किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या तो आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस आई एस मिलेगा, या तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या उसके साथ में एस आई एस मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा डू या डज किसी भी सेंटेंस में। यदि आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, इनमें से कोई भी मिलता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है या डू या डज में से कोई एक मिल जाता है, तो आप उस कंडीशन में जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे, इज एम आर।
ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये दो हमारे टेंसेज ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी सिंपल सेंटेंसेज में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ होती। तो हमें कैसे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है, मतलब प्रेजेंट इनडेफिनेट का है, या फिर दूसरा जो मैंने आपको टेंस बताया कि दो टेंस ऐसे होते हैं जिनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। ठीक है, तो पहला जो टेंस होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस है, और सेकेंड जो टेंस होता है वो हमारा होता है पास्ट टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट टेंस की पहचान ये होती है कि जहाँ पे भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है, ठीक है, तो आप पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का है, और जहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है तो उसमें हम पहचान लेते हैं कि ये पास्ट टेंस है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है। अब देखिए, लाइक हम इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं, पहली वर्ब पहला टेंस, दूसरी वर्ब दूसरा टेंस, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, अब इसमें हमने देखा कि जब कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है, डूडस मिल जाता है, तो हमेशा उसको चेंज कर लेते हैं हम इज एम आर में। अब देखिए किस तरह से, सबसे पहले मैं आपको टेंस वाइज कुछ जो है प्रैक्टिस भी जो सेंटेंसेस है वो हम लोग करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा ही टीचेज मी, जैसे ही आप इसको देखते हैं तो आपको फटाफट से यहाँ से क्लियर हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया था अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, कहीं पे आपको उसके साथ एस या एस मिल जाता है, कहीं पे नहीं। ठीक है, वो आपको कहाँ पे मिलता है कहाँ पे नहीं, देखिए सबसे पहले यदि आपका जो सब्जेक्ट है यदि वो सिंगुलर है, ठीक है, क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो उस कंडीशन में आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस मिलता है। और यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ से हम देखते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस या एस लगा हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस या एस लगा हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस लगा हुआ है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या एस नहीं लगा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कि आपने देखा कि भाई कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें फटाफट से पता चल जाता है, इट मींस हमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम सिंपल वे से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम मैथ्स में करते हैं। ठीक है, मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं कि लाइक मैंने लिखा यहाँ पे 27, यहाँ पे मैंने लिख दिया 19। अब क्या करते हैं हम कि जब इसके पास प्रॉपर चीज़ें होती नहीं है तो हम क्या करते हैं, आगे वाले से कैरी ले लेते हैं, इसको 17 बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इससे आगे वाले टेंस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे और इसको प्रॉपर बना लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इसको आगे ले जाएंगे, इसको पीछे ले आएंगे। ठीक है, मी है, मी जब आगे आएगा तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आई जो है वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा और मी ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हमने आई यहाँ पे लगा दिया और ही जो है वो हम बैक साइड में ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय हिम। अब बच गई जो हमारी बीच की चीजें हैं उनको सॉल्व करना। अब नेक्स्ट, इसके बाद मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब आपकी मस्ट है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे ही लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आगे वाले टेंस से हेल्पिंग वर्ब ली, इज एम आर, ये आपको क्लियर ही है कि आई है तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। उसके बाद हमारा बच गया ये, इसको हमें चेंज करना है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, हम देख लेते हैं एक बार फिर से, बिल्कुल इसी तरीके से करना है आपको, फर्स्ट इधर ये इधर। ठीक है, तो हमारा आ गया क्या, अस, अस जो सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्या आ जाएगा, वी, और उसके बाद सी को हम चेंज कर लेते हैं तो बाय हर। अब हम आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब पे, हेल्पिंग वर्ब में यदि हम फिर से दोबारा से देखें तो हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या आ जाएगा, वी है, तो वी के साथ क्या लगता है, आपको पता है इज एम आर में से हमें लगाना है, तो वी के साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी वर्ब बच जाती है, ये भी हमने यूज़ कर लिया, ये भी हमने यूज़ कर लिया, बच गया ये, तो इसको वर्ब की, ये वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि रिस्पेक्टेड। नेक्स्ट, ही सेल्स रेडियोज, फिर दोबारा से वही इधर से इधर। ठीक है, अब हमने क्या किया कि रेडियोज जो है उसको हम आगे ले आए, बाय हिम कर दिया हमने क्योंकि ही को हम बैक साइड में ले आए,
अब हमारे पास बच गया क्या, हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, हमने देखा कि भाई ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से लगेगी, और रेडियोज जो कि प्लूरल है तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा लेंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, शोल्ड। नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं, तो यू दोबारा से देखिए, अगर आपको यहाँ से क्लियर हो जाता है तो एक बार वीडियो को पॉज करके बाकी जो सेंटेंसेस बचते हैं वो एक बार आप खुद से करके देखिए। जैसे इसमें मैंने लगाया यू, नेक्स्ट उसके बाद बाय, देम, अब आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब पे, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी क्या, यू है तो आर आ जाएगी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, लाइक्ड। नेक्स्ट सी मैनेजेस द हाउस, द हाउस अभी तक आपको जो है मेरे से पहले ही शायद आपने सॉल्व कर लिया होगा। उसके बाद बाय हर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब द हाउस तो क्या आ जाएगा, इज, और उसके बाद मैनेज। क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड टेंस। सेकंड जो टेंस है वो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो है वो गिवन होगी, और उसके साथ में हमने बीइंग लगाना है, यानी कि चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है चाहे वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हमेशा आप उसमें बीइंग ऐड करेंगे। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे वो अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने देखा टॉम इज बिल्डिंग ए हाउस, तो ये तो आपको क्लियर ही होगा कि ए हाउस है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, हमने लिख दिया यहां पे ए हाउस, उसके बाद बाय टॉम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी जो गिवन है वो कि वही हम लगा देंगे। ठीक है, बस आपको जो है सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है, ए हाउस है तो यहां पे मैंने लगा दिया इज। अब ये ध्यान रखना कि अगर आपके हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ जरूर लेगी, यानी कि मैं क्या लगा दूं यहां पे, बींग। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, अगर हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो यहां पे कुछ ना कुछ जरूर आएगा, चाहे वो बींग आए, चाहे वो बीन आए, और चाहे वो बी आए। अब तीनों को मैं बता देती हूँ कौन सा कहाँ कहाँ पे लगेगा। यदि कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है तो उसके साथ हमेशा हम बींग लगाएंगे, यानी कि इज एम आर के साथ हमेशा बींग लगेगा। कोई भी परफेक्ट टेंस है तो उसके साथ हम हमेशा जो है बींग लगाएंगे, यानी कि हैज और हैव। और बी जो है वो हमेशा हमारा मॉडल्स के साथ लगता है। नेक्स्ट यहां तक हमारा क्लियर है, ए हाउस आगे आ गया, बाय टॉम पीछे चला गया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, बींग हमने लगा दिया। नेक्स्ट उसके बाद हम लगाते हैं क्या, सॉरी यहां पे वॉज वर आ जाएगा, क्योंकि बींग जो है वॉज वर। नेक्स्ट इसके बाद इसमें हेड आ जाएगा, सभी परफेक्ट आ गए। ठीक है, अब देखिए इस बींग आ गया, नेक्स्ट इसके बाद सिर्फ बिल्डिंग बच गया जिसको हमें चेंज करना है, तो बिल्डिंग का क्या आ जाएगा, बिल्ट। नेक्स्ट ही इज रनिंग ए रेस, अब आपको पता ही हो गया होगा ए रेस जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद जो है बाय हिम लास्ट में चला जाएगा, अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, ए रेस है तो इज आ जाएगा। अब आपको पता है इज अगर लगा दिया है तो इसके साथ बींग भी जरूर लगाना है, इट इज कंपल्सरी। ठीक है, उसके बाद रनिंग है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या आ जाएगी, रन। नेक्स्ट उसके बाद दे आर फ्लाइंग काइट्स, तो काइट्स, बाय देम, उसके बाद काइट्स है तो आर कार आ जाएगा, और अभी बताया था मैंने बींग जरूर लगाना है, और यहां पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी क्या, फ्लॉन। यू आर रनिंग ए रेस, सबसे पहले ए रेस, उसके बाद बाय यू, उसके बाद आर है, अब हमें ये तो पता है इज एम आर में से लगानी है, लेकिन ए रेस है तो हमने क्या लगा दिया, यहां पे इज लगा दिया क्योंकि सिंगुलर है। ठीक है, इज नॉट, कहीं पे भी यदि आपको नॉट मिले तो नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगाएंगे, और बींग जो है हम इसके बाद में लगाएंगे, इज नॉट बींग। उसके बाद सेम वही वर्ब हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद सुनील इज वाटरिंग द प्लांट्स, तो क्या आ जाएगा, द प्लांट्स, प्लांट्स है प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, आर नॉट बीइंग
watered by Sunil. क्लियर है फ्रेंड्स. नेक्स्ट उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ. तो नेक्स्ट जो हमारा टेंस आ जाता है वो आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब हमें गिवन होगी वो होगी हैज़ और हैव. और हैज़ और हैव के साथ मैंने अभी आपको बताया था क्या लगेगा, बीन लगेगा. अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ टेंस कुछ सेंटेंसेस. जैसे फर्स्ट है हमारा यू हैव वॉन ए प्राइज. अब बिल्कुल सेम मेथड वही रहेगा, सिर्फ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको ध्यान रखनी है कि उसमें क्या आएगा, यानी कि उसके साथ बीइंग आएगा, बीन आएगा, सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना. बाकी पूरे के पूरे जो आपके रूल्स होंगे वो सेम के सेम बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही होंगे. जैसे पहला हम ले लेते हैं सिम बिल्कुल उसी तरह से ए प्राइस, उसके बाद बाय यू, उसके बाद ए प्राइज है तो हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी हैज़. अब हमें पता हैज़ बीन या हैव बीन है तो क्या आ जाएगा उसके साथ में, हैज़ या हैज़ हैव है तो बीन आ जाएगा उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसके बारे में इसमें तो हमें और भी सोचने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जहाँ पे भी हैज़ या हैव मिलेगा आपको वहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो ऑलरेडी गिवन होगी. नेक्स्ट इसके बाद आपका आ जाएगा द ब्रिज और द ब्रिज. नेक्स्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी क्या, हैज, उसके बाद बीन, बिल्ट, बाय देम. नेक्स्ट इसके बाद सेम इसी तरीके से सेम सारे वही हैं, बस सिर्फ आपको करना क्या है कि इसको आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी जो हेल्पिंग वर्ब आपको मिलती है आप उस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो है सिर्फ वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑल हिज फ्रेंड्स, ऑल हिज फ्रेंड्स. अब फ्रेंड्स हैं, ऑल हिज फ्रेंड्स मीन्स क्या है, प्लूरल है तो हमने यहाँ पे लगा दिया क्या, हैव नॉट. मैंने आपको बताया था बींग जो भी आएगा वो हमेशा नॉट के बाद आएगा. बीन इनवाइटेड बाय हिम. नेक्स्ट उसके बाद है आई हैव नॉट ड्रॉन अप द स्कूल टाइम टेबल. तो इसको जो हम जो है स्टार्ट करते हैं तो द स्कूल टाइम टेबल, आई होप आप अब तक जो है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से सॉल्व करना है सेंटेंसेस को. हैज़ नॉट, क्योंकि स्कूल टाइम टेबल है सिंगुलर है, ठीक है, हैज़ नॉट के बाद आ गया बीन, ड्रॉन अप बाय मी. यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स. देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ. हम तीन टेंस यानी कि जो प्रेजेंट टेंस है उसको हम कर चुके हैं, और यदि मैं आपको बताऊँ तो जो चार टेंसेज हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम कभी भी चेंज नहीं करते. जो अगर फर्स्ट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसको हम चेंज नहीं करते, ठीक है. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम चेंज नहीं करते, यानी कि लास्ट वाले जो तीनों टेंसेस हैं. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम चेंज नहीं करते. और नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बाद, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, सिर्फ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. ये चार टेंसेज ऐसे होते हैं जिनको हम चेंज नहीं करते. तो टोटल जो हमारे ऑल अराउंड जो तीनों टेंसेज के जो पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, उनको मिला के 12 बनते हैं. तो 12 में से ये ए जो 4 है ये हम कम कर लेते हैं, 8 हमारे बच जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस जो है आज हम कंप्लीट कर चुके हैं. इसके बाद बिल्कुल ईजी सा जो आपको बता देती हूँ मैं, इसी के साथ में आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटेरोगेटिव को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. जैसे मैंने लिखा हैज ही स्टॉलन योर पेन, ठीक है. अब इसको किस तरह से आपको करना है, ठीक है, आप किस तरह से करेंगे, बिल्कुल मेथड सेम वही रहेगा जो मैंने आपको बताया है. सिर्फ आपको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में ऐसी के ऐसी आ जाएगी, ठीक है. लाइक यहां पे मैंने लिखा हैज
योर पेन, ठीक है। अब उसके बाद जो बींग बीन जो हमारा आना था वो सिर्फ यहां पे आ जाएगा, ध्यान से देखना, हेल्पिंग वर्ब आपकी यहीं की यहीं रहेगी, बाकी जो क्रॉस होना था वो क्रॉस यहां पे हो जाएगा, यानी कि मैंने योर पेन यहां पे रख लिया और लास्ट में लिख दिया बाय हिम, ठीक है। बींग जो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आना था वो हमने सब्जेक्ट के बाद लगा दिया, बींग बीन स्टॉलन बाय हिम। दोबारा से एक बार देखना, हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब है ऑलरेडी वो यहीं की यहीं शुरू में ही आ जाएगी। उसके बाद जो हमारा बाकी बच गया वो कैसा बच गया, सिंपल बच गया। सिंपल में हम जैसे हम करते थे, इसको पहले ले आए, इसको हम बाय लगा के हम बाद में ले गए, बच गया क्या, बीन बच गया, बीन हमने यहाँ पे लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद मैं आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे बता रही हूँ, ये सेंटेंसेस को आपने करना क्या है वो सुन लीजिए, कि ये सेंटेंसेस आप लोग अपने आप करेंगे सॉल्व इनको, और इनके जो आंसर्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। जैसे फर्स्ट देखिए, डिड शी, एक मिनट, डिड शी रन ए ग्रेट रिस्क, Do you tell a lie? Are they singing a song? Has he stolen your wristwatch? And did the teacher punish the students? I hope you like the videos. Please subscribe the channel and press the bell icon so you will get the notifications all my new videos. Thank you, friends.